अब इसके साथ साथ दो ही चीज़ें हैं बिजनेस को शुरू करने से पहले। अब आपने शुरू कर लिया, अब आपको दो चीज़ें रखना, एक विजन और रीजन। जिसके पास ये नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा। अब आप लोगों से सिंपल से सवाल है, बहुत सारे लोगों ने शुरुआत किया है और इसमें 50% चेक आया है, कुछ लोग हैं तो खुश हैं और कुछ लोग निगेटिव गए। तो जब उसको कुछ नहीं आ रहा था तब तक उसकी जिंदगी बहुत अच्छी थी, अब उसको 50 आ गए बड़ा दुखी, 50 ही है, 50 रुपये ही आया। और कुछ लोग हैं वो देख के खुश है, अच्छा ये 50 है, ये 50 है, आज ये 50 है, 500 भी होगा, 5000 भी होगा, 50000 भी होगा, 5 लाख भी होगा, इसलिए खुश है। अब मैं एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, अगर आपके घर में जो कोई खुशखबरी आने वाली है, आपको पता चले कि आपके घर में खुशखबरी आने वाली है, तो आप लोग क्या करते हैं? या आप लोग मन किया जाता है देखो भाई कोई खुशी खुशियाँ नहीं मनाया, कोई खुशियाँ नहीं मनाएगा, आने वाला अभी आया नहीं, जब आ जाएगा तब कोई खुशी मनाएगा, ऐसा है नहीं? हम पहले से जो तो तैयारी बनाना शुरू कर देते हैं, है ना, पहले से जो तो सपने बनना शुरू कर देते हैं कि आए तो हम इसके लिए ये करेंगे वो करेंगे, पहले से सारी तैयारी करना शुरू कर देते हैं, करते हैं नहीं, बट और इस बिजनेस में आए दो तीन लोगों से मिले और उन लोगों ने मना कर दिया, फिर हमें क्या लगता है? हमें तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया खत्म हो गई, तीन चार लोग से दुनिया चल रही थी, अब उन्हीं लोगों ने मना कर दिया, दुनिया ही रुक गई, दुनिया ही रुक गई है, ऐसा लगता है। ये उन लोगों को लगता है जिनका रीजन और विजन क्लियर नहीं होता है, और ये दो चीज़ें क्लियर करना जरूरी है। अब रीजन क्या होता है और विजन क्या होता है? रीजन का मतलब कारण, क्या कारण? आप कोई भी काम करते हो उसके पीछे कारण होता है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ममता जी आप जो तो अभी यहाँ से जो ट्रेन ले जाए आप दिल्ली जाओ, क्या आप वहीं चले जाओ? क्या आप वहीं चले जाए? मैं आपसे बोल रही थी आप बैठो तो दिल्ली जाओ, चले जाए? आप क्या बोल रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? क्यों? कारण भाई कुछ हुए ना भाई, क्यों जाना? अगर हमारा क्यों क्लियर है तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जाओगे तैयारियां के साथ जाओगे, अपना बैग वैग मस्त तरीके से पैक करके और खुशी खुशी जाओगे, राइट? अब इस बिजनेस में हमारे जीवन में दुख दर्द क्यों आते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा भाई क्लियर नहीं होता, जबरदस्ती जो तो भेजे जाते हैं, जबरदस्ती फील्ड में भेजे जाते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भाई क्लियर नहीं होता। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या कारण है इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। हो सकता है अगर आप लोग भी ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं, अभी बता देता हूँ, सच बताइए मैम आप कैसी जिंदगी अपनी चाहते हैं? आज आपको जो तो मौका दिया जाए कि आपकी जैसी जिंदगी है और आज आपके पास वो मौका है, आप वरदान मांगो, आप अपनी जिंदगी को जितने अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं आप जी सकते हैं। तो मैं आप लोग जानना चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहते हैं, आप कैसे आप समझो कि आपकी जिंदगी कैसी बन सकती है, क्या क्या आपके पास होना चाहिए बताइए। आज आपके पास मौका है, कैसी जिंदगी होनी चाहिए? अच्छी जिंदगी होनी चाहिए। अच्छी इन द सेंस क्या? अच्छी मतलब कैसे? सब लोग एक ही कारण बताएंगे, शुरू कहां से करें? यहां से, यहां से, यहां से, उधर से बताइए। आपकी आप अपनी जिंदगी को किस तरीके से जीना चाहते हैं? आपके जीवन में आपको लगता है आपके जीवन में कुछ कमी है, है? एक कारण बताइए क्या कमी है बताइए। अच्छा कहा, बहुत बढ़िया।
आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ कमी है? अगर वो कमी पूरी हो जाए तो हमारी जिंदगी हरी भरी हो सकती है। एक कारण होता है जो आपको चाहिए थी। आज आप लोगों के पास एक ऐसा मौका है कि जहाँ पे आप दोस्तों
बंद हो जाएगा। बट ये एक ऐसा बिजनेस है कि जहां पे भी काम करते हैं 2 से 5 साल और अगर उस काम को फिर आप करना बंद भी कर देते हैं तब भी आपको पैसा आता है। क्यों? क्योंकि तो आपके पास लोग होते हैं, लोग काम कर रहे हैं। आज मेरे पास 1000 लोगों का नेटवर्क है। कितने लोगों का? 1000 लोग। अगर 1000 में से 10% लोग ही, मात्र 100 लोग भी यदि काम करेंगे ना और मैं किसी दिन काम नहीं करूंगा तब भी मेरे को पैसा आएगा। हम लोग काम तो कर रहे हैं, वो लोग अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो वो अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, वो भी फायदा ले रहे हैं और मेरे को भी फायदा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे माध्यम से उनको ये फायदा मिल रहा है। जैसे आप लोग यहाँ बताए जा रहे फायदे के बारे में, आप अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज है। क्यों करना है? क्योंकि आपको जो तो सातवीं चीज है, आप मुझे सर बताइए, लिविंग ए लिगेसी। लिगेसी मतलब जमीन जायदाद। बस 10-15 मिनट का समय बच्चे छोड़ के आए, कोई बात नहीं, 10-15 मिनट का मिल जाएगा। लिविंग के लिगेसी, लिगेसी का मतलब जायदाद। आप अपने जो तो परिवार में का, आप अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को आप क्या छोड़ने जा रहे हैं? कि आप यही छोड़ने जा रहे हैं जो आप में, यही छोड़ने जा रहे हैं कुछ अलग करके जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके की महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, लोगों की जिंदगी बदल रही है, उस तरीके से अगर हम लोग कुछ करके नहीं जाएंगे, अगर हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं, ये मान के चलो कि जो तो हम अपनी लाइफ में पीछे जा रहे हैं, तरक्की कर पीछे जा रहे हैं, है ना। ये चीज़ तो हमें क्या करना है, हमें जो तो अपने परिवार जन के लिए एक अच्छी सी लेके के लिए ऐसी यानी जमीन जायदाद है जो भी ऐसे छोड़ के जाना अपने पीढ़ी के लिए जो हमारे पूर्वज जो हमें नहीं दे पाए, वो सारी सुविधाएं जो तो हमें अपनी आने वाली जनरेशन को देके जाना है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि मान सम्मान। सम्मान किसको पसंद है? सभी को पसंद है, सभी को पसंद है, पर मिलता है कितने लोगों को? मिलता है कितने लोगों को? नहीं मिलता। लोग कोई ऐसा नहीं जो उसकी बात कर सकते हो, कहीं कभी आप काम करते हो कोई नकारना पड़ता है ना, कोई भी अपने अपराध दिखा के चला जाता है। क्यों? क्योंकि एक चीज आप हमेशा याद रखो, जब तक आपके पास पैसा है लोग आपसे पूछेंगे भाई तू कैसा है, जब तक आपके पास पैसा है तभी तक लोग आपसे पूछेंगे भाई तू कैसा है। पैसा नहीं होगा तो कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं। और आपके परिवार में जितने भी दिक्कत है, मैं आपके साथ बता रहा हूँ, पड़ोसी कहने से काम धंधा बंद कर देते हैं, पर मैं आपको बता दूं आपके जीवन में जो भी परेशानी है पड़ोसी को कोई लेना देना नहीं, लोगों को कोई लेना देना नहीं। 80% लोग ऐसे हैं जो आपके जिंदगी से कोई लेना देना नहीं कि आप परेशानी है, और 20% खुश है कि आपको परेशानी है। तो जब सपने आपके जिंदगी आपके आपके अपनी जिंदगी को आपके तरीके से जीना है तो बार बार हमें जो तो पीछे उनके देखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, हमें